हाय ब्रदर, मेरे पास आप सॉरी। ओके, तो लास्ट आई 2 के वीडियो में, अरे ये नहीं और ये तो बिल्कुल भी नहीं, आई मीन टू से दैट लास्ट आई 2 के गेम प्ले वीडियो में, हाँ भाई यही वाला मिशन 14, जिसमें हमें अच्छा खासा चैलेंज दिया गया था और इस मिशन में हम अपने तरफ से और चैलेंजेस को ऐड कर दिए थे ताकि ये और ज्यादा टफ हो जाए, ये सोच के कि इस मिशन पे अब और कोई भी चैलेंज नहीं आएगा, लेकिन वही हुआ जिसका हम ऑलरेडी भविष्यवाणी कर चुके थे। एंड आई नो अगर ये चैलेंज हम कंप्लीट कर भी देते हैं तब भी आप लोग पता नहीं कहां कहां से इसी चैलेंज के वेरिएशंस लाने लगोगे। सो गाइस, एक और चैलेंज, वो भी इसी मिशन पे। तो चैलेंज लिखा बड़ा सिंपल है, देखो मेरा प्रोनंसिएशन, उच्चारण बड़ा खराब है और उतना पढ़े लिखे भी नहीं, तो प्लीज समझा करो। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। सो सारी बातें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली चैलेंज ये दिया गया है कि हमें इस मिशन में अनडिटेक्टेड होके मिशन कंप्लीट करना है विथ ओनली यूजिंग ऑग। और इस वेपन के बारे में आप लोग जानते हो कि ये सिर्फ इसी मिशन में मिलता है। ये बात और है कि इस वेपन को हम लोग अगले मिशन तक लेके जा सकते हैं, तो उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। और हाँ, इस चैलेंज से मिलता जुलता चैलेंज या फिर कहे कमेंट्स और भी हैं, इन सब में से जो सिमिलर नहीं है वो हम बता देते हैं। एक है 90% हेल्थ को हमें मेंटेन रखना है, मतलब इससे नीचे नहीं करना है अपने हेल्थ को, और साथ में असॉल्ट राइफल वेपन यूज करने की बात कर रहा है, तो भाई ऑग इज एन असॉल्ट राइफल वेपन। दूसरा कमेंट में 2 चैलेंजेस मिले हैं क्योंकि वहां बीच में फुल स्टॉप है, और यहाँ में सिमिलरिटी पहले वाले चैलेंज से है तो हम उसको पिक करते हैं। ओके, तो सारे कमेंट्स को टटोलने पर चैलेंज एक ही निकल के आता है और वो ये है कि इस मिशन में हमें अनडिटेक्टेड होके मिशन कंप्लीट करना है विथ ओनली यूजिंग ऑग या फिर कह सकते हैं असॉल्ट राइफल, लेकिन असॉल्ट के नाम पे हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑग, इसलिए ऑग। और हेल्थ ड्रॉप करने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि हमें अनडिटेक्टेड होके करना है। एंड अबाउट दिस मिशन, आप लोग जानते हो ये मिशन बहुत टफ है, अलार्म बज गया, मिशन फेल्ड। पिछला वाला चैलेंज की बात करें तो उसमें हमने नाइफ से स्टिल्थ किल किया था जो टफ था अनडिटेक्टेड के मामले में, लेकिन इस बार हमें ऑग यूज करना है जो साइलेंट वेपन भी नहीं है, मतलब समझ रहे हो, अगर हम इस वेपन से फायर करते हैं कहीं भी तो एनिमी अलर्ट हो जाएंगे, अलार्म नहीं बजेगा, अलर्ट हो जाएंगे, और अलर्ट होने से होगा ये कि वो उस जगह पे सबसे पहले सर्च करने आएंगे जहां पे लास्ट फायर हुआ था, और अलार्म तभी बजेगा जब वो हमें स्पॉट कर लेंगे, हमें देख लेंगे, या फिर जब उन्हें डेड बॉडी मिल जाएगा, और हम पे फायर करना वो तो उन लोगों का काम है ही, और ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आप लोग जानते ही हो। सो इस चैलेंज को हम और ज्यादा टफ बनाना चाहेंगे ताकि इस मिशन पे और कोई भी चैलेंज हमको दोबारा ना मिले, मतलब कि तिबारा। और इस चैलेंज को और ज्यादा टफ बनाने के लिए बस एक ही चीज बचा है और वो है किल एवरीवन। यस, किल एवरीवन के साथ इस चैलेंज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो हमें IGA 2 के मिशन 14 आइलैंड असॉल्ट में करना क्या है, सिंपली किल एवरीवन करना है विथ ओनली ऑग और साथ ही साथ अनडिटेक्टेड भी रहना है। सो ये चैलेंज टफ चैलेंज या हार्ड चैलेंज तो नहीं रहा, ना ही टफेस्ट चैलेंज, अल्टीमेट। एनीवे स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो गाइस। ऑलराइट, गेम को हम रीस्टार्ट कर देते हैं ताकि गेम प्ले थोड़ा फ्रेश लगे। ठीक है, तो इन सारे वेपन को गिरा देते हैं जिसको गिरा सकते हैं, और ये है हमारे पास ऑग। तो किल एवरीवन करना है, वी नो दैट। हम ये बिल्कुल नहीं बताने वाले कि ये गेम किस डिफ़िकल्टी में है, डिफ़िकल्टी लेवल में है, सो वो आप लोग डिस्क्रिप्शन देख लेना प्लीज़। ओके, इन लोगों को हम लोग अभी के लिए इग्नोर कर रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप लोग जानते हो कि हमें अनडिटेक्टेड भी रहना है। सो इस जगह पे तो हम लोग डिटेक्ट हो ही जाएंगे, स्पॉट हो जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग इन लोगों को, मतलब कि उन लोगों को जो बहुत दूर हो चुके हैं, उन लोगों को नहीं मार सकते। सो हम लोग उन लोगों को बाद में मारेंगे, पहले यहाँ का रास्ता हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ में हम ज़्यादा आवाज़ करके नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स आप लोग जानते हो हम उन लोगों को, मतलब कि उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ओके, यहाँ में बड़ी ही सावधानी से, ठीक है अब उतर जाओ भाई, ये यहाँ पे अटक जाता है,
पता नहीं क्यों हमेशा से। ओके, तो यहाँ में हमारा जो पहला टारगेट है जिसके कारण हम लोग डिटेक्ट भी ना हो पाए और इसके थ्रू हम लोग चारा शॉट भी दे पाए, वो यही है। लेकिन हम लोग इसको अभी नहीं मारेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ छुप जाते हैं। आप लोग जानते हो कि इस हल्के रंग के हरे पत्तों में या फिर घास या फिर झाड़ी हम लोग छुप सकते हैं, या फिर कहें हम लोग डिटेक्ट नहीं हो सकते हैं। ये ख़त्म, ये लोग अलार्म ना बजा दे और आई बिलीव वो ख़त्म हो गए होंगे। ठीक है, अब आवाज़ सुन के यहाँ के दो एनिमी आएंगे और अगर हम लोग इसको मारते हैं तो एक जो एनिमी आता है, ठीक है, वो डेड बॉडी देख के डायरेक्ट अलार्म बजाने जाता है। ठीक है, यहाँ में हमें क्विक करना था और हमने कर भी दिया। ठीक है, बड़ी सावधानी से, और यहाँ पे हमें कोशिश करना है ये एक बार में मरे। चलो, वेरी नाइस, अनडिटेक्टेड अभी भी है और स्नाइपर आगे मुड़ गया होगा डेफिनेटली, लेकिन फिर भी एक बार। ओके, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वो तीन एनिमी को ख़त्म करेंगे जिन्हें हम लोगों ने स्टार्टिंग में इग्नोर कर दिया था, और उन्हें हम लोग इस जगह से भी मार सकते हैं, इतना दूरी से भी। लेकिन क्या है कि डिटेक्शन का रिस्क है, इसलिए हम लोग यहाँ में भी वो लेजेंडरी ट्रिक यूज़ करेंगे, मतलब कि इस तरह से छुप के मारेंगे। यहाँ में वी आर लगभग सेफ है। ठीक है, बस हमें टारगेट ठीक से दिख जाए। ठीक है, ओके, एक इस ओर है, मतलब उस ओर है, बहुत दूर है भाई। ओके, हम क्लियर शॉट नहीं ले पा रहे हैं। ये आप लोग जानते ही हो, अगर खुले में हम लोग एनिमी को मारेंगे और वो बच गया तो हम लोग स्पॉट हो जाएंगे, और अगर वो मर भी गया तो बाकी जो दो है वो तो डेफिनेटली हमें देख ही लेंगे। सो वो होने नहीं देना है। ठीक है, चलो एक ख़त्म, और दूसरा ये रहा। ठीक है, वो भी ख़त्म, और तीसरा कहाँ है भाई? ओके, ठीक है, दिख जाओ भाई किस साइड है। ओके, वो ऊपर आ रहा है। चलो फाइनली वो ख़त्म। ये गन बहुत पावरफुल है, मतलब कि हाँ, अच्छा खासा पावरफुल है ये, विथ स्कोप ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। ठीक है, अब हमें ख़त्म करना है यहाँ वाले दो लोगों को, बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर चुके हैं। तो यहाँ में अगर हम थोड़ा सा भी शोर और करेंगे, लाउड करेंगे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, उन्हें मारने में हमें और टाइम लगेगा, क्योंकि हमें अनडिटेक्टेड का भी टैग लेना है। और दूसरा एनिमी यहाँ है। ओके, चलो भाई, हाँ भाई, ये पेनिट्रेट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के बिना ये मिशन तो कंप्लीट हो नहीं सकता है, सो हमें सारे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है, यू नो दैट। एंड ये एरिया पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, तो अभी जो आने वाला एरिया है वो थोड़ा ट्रिकी है और हमें बहुत सारे ट्रिक यूज करने पड़ेंगे। और पहला ट्रिक तो वही है, लेजेंडरी ट्रिक। हमें किसी लाइट ग्रीन, मतलब कि हल्के ग्रीन वाले पत्तों में छुपना पड़ेगा, और वो ये है। ठीक है, ताकि एनिमी हमें स्पॉट ना कर पाए, आप लोग जानते ही हो। और यहाँ से हम क्लियर शॉट मार सकते हैं अगर कोई अलार्म बजाने जाता है तो, क्योंकि डेफिनेटली ये ऐसी जगह है जहाँ में एनिमी मरेंगे और वो लोग डेड बॉडी देख के अलार्म बजाने तो जाएंगे ही जाएंगे। और एक बात, हम डिस्टेंस को मेंटेन करके रखे हुए हैं, मतलब कि हम जिस दूरी से इन लोगों पे फायर कर रहे हैं, सिर्फ यहीं वाले लोग, ठीक है, जितने भी विजिबल एनिमी हैं यहाँ पे, सिर्फ उन्हीं लोगों को मेरी गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसका मतलब जहाँ सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वहाँ वाले एनिमी, मतलब कि उस मेटेलिक टेंट वाले एनिमी लोगों को बिल्कुल भी गोलियों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। इसका मतलब वो लोग यहाँ नहीं आने वाले। उन लोगों को मारने के लिए हम दूसरा टेक्निक यूज़ करेंगे। ओके, ये एनिमी कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया है एक शॉट में। ओके, चलो अच्छी बात है, वो मारा गया एक ही गोली में, मतलब कि एक फायर में ही। अब हम लोग मारेंगे यहाँ से उस स्नाइपर को, लेकिन बहुत ही ध्यानपूर्वक, क्योंकि हम लोग स्पॉट हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम डिस्टेंस को मेंटेन किए हैं, इतना दूरी तक एनिमी ज़्यादातर नहीं देख पाता है, मतलब कि हमें छुपने की भी ज़रूरत नहीं है, बस उसे लगना चाहिए। चलो, वो ख़त्म, फाइनली यहाँ के सारे लोग ख़त्म हो गए हैं। अब जो एनिमी बचे हैं
वो टेंट वाले हैं, मतलब कि सेकंड ऑब्जेक्टिव वाले एनिमीज, तो अब उन्हें हमें ख़त्म करना है। ठीक है, कोई अलर्ट नहीं हुआ है, ज़रा देख लें। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ में हमको ज़्यादा शोरगुल नहीं करना है, तो हम बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरह से किल प्लस चारा शॉट देंगे इसको मार के। ठीक है, आवाज़ सुन के एनिमी आएंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ आएंगे वो लोग डेड बॉडी देख लेंगे और वो लोग अलार्म बजाने जाएंगे, तो उसी का हमें फ़ायदा उठाना है। ओके, चलो एक दूसरा और बाकी लोग। ठीक है, दो दो करके हमें आने नहीं देना है। अरे बाप रे, अगर वो लोग आ गए तो एक तो हमें देख ही लेगा, तो एक एक करके ही आने दो। और अभी तक आई बिलीव सारे ख़त्म हो गए, तो ऑब्जेक्टिव हम लोग ख़त्म कर देते हैं, मतलब कंप्लीट कर देते हैं। एक चीज़ हम हमेशा भूल जाते हैं इस टेंट में, मतलब कि मेटेलिक टेंट में, क्योंकि ये घर तो नहीं है, छोटा सा लगता है, इसलिए ये मेटेलिक टेंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि तंबू तो एक आगे था जो कपड़े का होता है। तो जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि इस रूम पे कितने एनिमी हैं। अगर हमको याद रहता तो किल करते वक्त हम इतना घबराए नहीं रहते, डायरेक्ट काउंट किल होता और हम आगे बढ़ते। एनीवे, तो अभी हम लोग किल करेंगे इस चॉपर वाले एनिमीज को, और यहाँ भी वही ट्रिक, लेजेंडरी ट्रिक, वो घास वाला ट्रिक। वैसे कहीं कहीं झाड़ी भी होता है, लेकिन यहाँ में सिर्फ घास ही है हमारे पास, तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है कि एनिमी दाएँ बाएँ ना जाए, मतलब कि वो लोग फैले नहीं, वो लोग स्ट्रेट रहेंगे तो हम आराम से उन लोगों को मार पाएंगे बिना डरे। ठीक है, थोड़ा सा, ओके, ठीक है, ऑल राइट, बस दो है, एक बच गया, नहीं नहीं तीन है, ऑल राइट, सारे ख़त्म। ठीक है, तो अब हमारा जो टारगेट है, आप लोग जानते ही हो, एक ही टारगेट है, तो आप देख सकते हो यहाँ में सारे एनिमी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, अब कोई है भी नहीं। जो भी एनिमी बचा है वो उस मेटेलिक टेंट, पता नहीं, हम उसको रूम नहीं बोल सकते हैं, कोई घर भी नहीं बोल सकते, इसलिए मेटेलिक टेंट ही बोल रहे हैं, क्योंकि वो एकदम लोहे जैसा ही है। तो जितने भी एनिमी हैं उसी के अंदर हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव भी वही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक है कि हवा में फायर करने से या फिर कहीं भी फायर करने से सारे एनिमी इसके अंदर वाले मर जाते, लेकिन इस बार हम जिस तरीके से खेले हैं वो ट्रिक यहाँ काम नहीं आने वाला, तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमें, ओके, छुप गए हैं, अब ये लोग अलार्म बजाने आएंगे, तो उसके लिए हम रेडी हैं, और हमें अलार्म बजाने से बस इन्हें रोकना है। चलो एक ख़त्म, चलो ये भी आ जाओ भाई जल्दी, टेंशन की बात नहीं, वो लोग बस यहीं आएंगे। ठीक है, चलो ये भी अलार्म बजने हम लोग नहीं दिए, और सारे ख़त्म। अरे भाई, हम हमेशा भूल जाते हैं कि इसके अंदर कितने एनिमी हैं। खैर, बस यही रह गया है ये ऑब्जेक्टिव, एंड डन गाइस, किल एवरीवन अनडिटेक्टेड विथ ओनली ऑग, ऑल राइट। एंड रैंक डजंट मैटर, क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे चैलेंज में पॉसिबल भी नहीं है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। और जाते जाते एक चीज बता देना चाहते हैं कि इस चैलेंज को कंप्लीट करने में हमको जरा भी मेहनत नहीं लगा है, मतलब यूं कंप्लीट कर दिए इस चैलेंज को।